हेलो दोस्तों, आपके अपने एगली टैक्सी के बी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चौथ का बरवाड़ा में दीपावली के अवसर पर मार्केट में किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार से आप बाज़ार में आ सकते हो, मैं सभी आपको जानकारी दूंगा। चलो चलते हैं बाज़ार में। आप देख सकते हो मैं बाज़ार में आ चुका हूँ। बाज़ार में किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार की दीपावली के अवसर पर दीपावली मार्केट में भीड़ लगी हुई है। चौथ का बरवाड़ा के पास मात्र एक ही बाजार है जो बहुत बड़ी संख्याओं में यहाँ पर पब्लिक आती है, जो चौथ का बरवाड़ा के कस्बे में यहाँ पर 18 गांव के यहाँ पर आदमी बाजार में शॉपिंग करने आते हैं दीपावली के अवसर पर। आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है और बाजार में यहाँ पर डेकोरेशन से सजावट भी की गई है बाजार में। और आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर। यदि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो मैं आपको सभी जगह की इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट बताऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर चौथ माता कर भी, यदि अगर आप आना चाहते हो तो इधर ये रास्ता जा रहा है ऊपर की ओर जो चौथ माता की ओर जा रहा है। और आप चलते हैं अगली पार्ट में जो धनतेरस के दिन रात में किस प्रकार का माहौल रहा है मार्केट में। मार्केट में धनतेरस के दिन का आप देख सकते हो दृश्य, काफ़ी सुनसान मार्केट लगा हुआ है, ताकि ये मानसिंह सर्किल चौथ का बरवाड़ा जहाँ पर, ताकि मार्केट में धनतेरस के दिन काफ़ी भीड़ कम थी जो आप देख सकते हो रात में। वो कितनी अच्छी सजावट कर रखी है प्रशासन ने यहाँ पर मार्केट में ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के द्वारा। ये आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी पूजन के दिन का दृश्य है रात में 8:30 बजे का। बाजार में किस प्रकार का माहौल है, सभी दोस्तों यहाँ पर त्यौहार मनाने बाजार में आए हुए हैं, जो भीड़ इकट्ठी की हुई है। इसमें 12 महीने का त्यौहार है, सभी भाई बहन यहाँ पर त्यौहार मनाने आए हुए हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ताकि देखे जाए तो कोरोना को चलते हुए अभी इतनी जनसंख्या तो नहीं है मार्केट में, फिर भी बहुत कम आदमी यहाँ पर मार्केट में है। चलो चलते हैं चौथ का बरवाड़ा के माली समाज के द्वारा मंदिर में अन्नकूट का वितरण किया जाता है। जो यहाँ पर कौन कौन अन्नकूट का वितरण कर रहा है, श्रीमान पप्पूलाल जी सैनी, और ये मार साहब है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, एक स्वराज काका जी और पंडित जी भी यहाँ पर। चलो चलते हैं बीजासन माता की ओर। जो बीजासन माता पर बहुत सा सुंदर दृष्टि, पहले ये पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं थे, और ये सीसी रोड भी श्री शीतल पाड़िया के द्वारा करवाया गया है। माता जी के आना चाहते हो, आप चलते हैं सेवन स्टार होटल के पीछे, ऐतिहासिक किले के पीछे, जो किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हो। रोड पर बीच में खजूरे के पेड़ लगाए हुए हैं, यदि आने वाले आप 2 साल बाद देखते हो यहाँ पर, बहुत अच्छा अति सुंदर कार्य हो जाएगा इस बाईपास पर। यदि अगर आप आना चाहते हो तो आप यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में ये होटल बनाई गई है। आप यहाँ से ये लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है सवाई माधोपुर जिले से, और यहाँ पर इसके जस्ट ये रास्ते ही चौथ माता का बाईपास भी है इसके पीछे से, जो अभी मैं आपको जा रहा हूँ ये चौथ माता का मार्ग है। चलो चलते हैं चौथ माता की ओर। चौथ माता के रास्ते में भी बहुत अति सुंदर कार्य करवाया गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में पौधे और एक आने का एक जाने का रास्ता की व्यवस्था की गई है चौथ माता ट्रस्ट की ओर। यदि अगर आप इस वीडियो से जुड़े रहते हो तो अगली वीडियो आपको शिवाड की ओर का दृश्य दिखाएंगे।